भाजपा कार्यकर्ता पर दरोगा ने कर दी थप्पड़ों की बौछार। नाराज भाजपाइयों ने थाने का घेराव कर काटा बवाल। कानपुर पुलिस ने दो दरोगा को किया लाइन हासिल। भैया हाथ उठा रहे हैं आप, खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए। यूपी में इन दिनों पुलिस का आतंक बढ़ता जा रहा है, चाहे आम जनता हो या सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता या फिर नेता, पुलिस उनके साथ मारपीट करने में तनिक भी लिहाज नहीं कर रही। ताजा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है। बर्रा थाने में विवाद की शिकायत करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता की दरोगा और सिपाही ने मिलकर एक के बाद एक थप्पड़ों की बौछार कर दी। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से दरोगा पीड़ित को थाने के अंदर धकियाते हुए थप्पड़ लगाकर अंदर ले जा रहा है। साथ ही इस घटना का वीडियो बना रहे युवक के हाथ से मोबाइल छीन कर पीट दिया। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कानपुर कमिश्नरेट पुलिस एक बार फिर से चर्चा में आ गई। बीते दिनों महिला से छेड़छाड़ के मामले के बाद बर्रा थाने में दरोगा ने भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। एक के बाद एक थप्पड़ों की बौछार देख हर कोई फिल्म का सीन समझ बैठा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थप्पड़ों की पिटाई से नाराज भाजपाइयों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। मोर्चा का कार्यकर्ता है, इसने यहाँ पेट्रोल लाइन पे चाय की दुकान रख रखी, उसी से भरण पोषण कर रहा है घर का। क्षेत्र के जो गांजा तस्कर हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है बर्रा थाना पुलिस का, वो लोग इसको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं, वो लोग इसकी दुकान के पास आके शराब पीते हैं, वहीं से भाई जब चाय की दुकान है, कई कॉलेज स्कूल के लड़के आते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम गांजा अपना यहाँ सप्लाई करें। इसने इस चीज़ का विरोध किया, अभी नए साल के दूसरे तीसरे दिन इस बात का इसने विरोध किया कि मेरी दुकान के पास आप लोग ना खड़े हो। उनका एक लड़का था लकी, वो इसकी दुकान के पास सराबर वो गांजा अंजा बेचता था आके। इसने इस चीज़ का विरोध किया, तो आज उसको लेके उन लोगों ने इसके घर पे दुकान पे आके पथराव वगैरह किया। जब पथराव वगैरह किया, इसने हम लोगों को सूचना दी। मैं यशोदा नगर निवासी हूँ, हमारा कार्यकर्ता है, हम भी आए यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसने पथराव जब किया, इसने हम लोगों को सूचना दी, हम लोग थाने आए, उसके पहले दो सिपाही बिना सूचना के इसकी दुकान पहुँच रहे हैं, बल्कि इसकी दुकान पर पथराव हुआ। इसकी दुकान पहुँचे, तलाशी लेने लगे, तो इसने कहा क्या था, बोले नहीं नीला झोला कहाँ, तुम्हारे यहाँ गांजा बिकता है? तो इसने कहा अगर गांजा बिकता तो मुझे बैठा लो, ले चलो थाने। गाड़ी में बैठ गया उनके साथ बाइक में, उन्होंने आधे रास्ते में इसको उतार दिया, क्योंकि ये उन गांजा तस्करों के कहने पर आए थे। तब तक हम लोग थाने आ गए, हम लोगों ने आके एप्लीकेशन दी। सेकंड ऑफिसर वी के शुक्ला जी थे, उन्होंने हम लोगों को एप्लीकेशन दी। वो बोले चौकी इंचार्ज को हमने फॉरवर्ड कर दिए, वो आ रहे होंगे। हम लोग बाहर खड़े बात कर रहे थे आपस में, तब तक चौकी इंचार्ज साहब आए, तो उन्होंने आते आते पहले बहुत गलत टोन में अनावश्यक भीड़ क्यों लगी है? तो हम लोगों ने कहा अनावश्यक भीड़ नहीं लगी, जो पथराव वाला मामला हुआ उसमें खड़े हैं। अच्छा तो जाइए, आपने दे दी ना एप्लीकेशन, मेरे पास आ गई है, मैं जांच कर लूँगा। तो हमने कहा भाई साहब जांच नहीं, उसमें एक लड़का अंदर बैठा है, वो गलत आरोप हम लोगों पे लगा रहा था। अच्छा एक लड़का यहाँ आया, वो बोला हमको मारा, वो अपनी खोपड़ी फाड़ के आया। तो हम लोगों ने वीडियो पूरे उपलब्ध कराया जो पथराव वाले थे कि देखिए ये बिल्कुल सुसज्जित है, सही है। तो वी के शुक्ला जी ने मेरी बात भी सुनी, तो हम लोग वही चीज़ बोलना चाहते थे चौकी इंचार्ज साहब से कि आप निष्पक्ष जाँच करिएगा कल को आप, क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है, जो आनंद पांडे जी हैं और आशीष कुमार दरोगा हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है गांजा विक्रेताओं को। हम लोगों ने बोला तो उसमें वो भड़क गए, क्योंकि भैया चोर है, बोलोगे तो लगेगी मिर्ची। तो हुआ ये, इसने कहा हमारे यहाँ जिला सोशल मीडिया प्रभारी ने कि देखिए आपके सिपाही हमारा मोबाइल छीन रहे थे, हम वीडियो बना रहे थे। तो चौकी इंचार्ज के साथ जो आशीष कुमार दरोगा थे, वो बोले तुम्हें वीडियो बनाने का अधिकार किसने दिया? तो हमने उसमें बीच में बोल पड़े, हमने कहा जैसे आपके सिपाही को अधिकार किसी की दुकान में घुस के जांच कर उसका करने का है, उसी तरीके से इनको भी कम से कम वीडियो बनाने का है। इतना बोलना हुआ, उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए, बोले रुक अभी तुझको बताता हूँ। बल्कि मैंने ना अपना कोई परिचय उनसे कहा, ना मैंने कुछ कहा, मैं इतना कह रहा हूँ चलिए ठीक राजनीति करता हूँ, अगर आम आदमी होता
पीड़ित होता आज तो उसके साथ क्या होता। हमारी एक मांग है केवल उनको बर्खास्त किया जाए और हमें न्याय चाहिए और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए, आशीष कुमार को बर्खास्त किया जाए। हम लोग कम से कम 1.5 घंटे हो रहा है, किसी ने कोई बात नहीं। हमसे एसओ साहब आए थे, बोले केबिन में चलिए बात कर रहे हैं। हमने कहा मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, सार्वजनिक रूप से वो माफी मांग के उसको सस्पेंड, हमें माफी नहीं मंगवानी, उसको आशीष कुमार दरोगा को सस्पेंड किया जाए और चौकी इंचार्ज को हमारा कहना है आशीष कुमार जी को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने मुझे मारा है, वीडियो है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और जो चौकी इंचार्ज उनको लाइन हाजिर किया जाए। अगर जब तक हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर लोग बैठे हैं। जिन गांजा तस्करों को पुलिस पूरे थाने का संरक्षण पकड़ के रखा जाए, उनको पकड़ा जाए, मोहित शर्मा, राजू शर्मा, अमित ओग्रे, इन सबको पकड़ा जाए। उधर वीडियो वायरल होने पर डीसीपी दक्षिण प्रमोद कुमार ने दो दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक यहाँ बर्रा थाने पे तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति को मारते हुए वीडियो प्रकाश में आया। उसमें इसी बात पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ अपना इस बात को लेकर आए थे, विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। क्या कार्रवाई हुई है इसमें? जिन दो व्यक्तियों के ऊपर इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, एक पुलिसकर्मी, दोनों लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक का नाम है आनंद पांडे है और दूसरे का नाम आशीष। आनंद कुमार पांडे चौकी इंचार्ज बर्रा बिसू जी, आनंद पांडे और आशीष। आंखें मुझसे चुरा कर जब मुस्कुराती हो तुम, सुंदर को और ज्यादा सुंदर बनाती हो तुम, क्योंकि मेरी सुंदर स्किन के लिए मैं यूज करती हूँ लाफेम प्रीमियम कॉस्मेटिक्स, जो बने हैं हमारी खूबसूरत और नाजुक त्वचा के लिए। लाफेम प्रीमियम कॉस्मेटिक्स हमारी कोमल और नाजुक स्किन के लिए एक प्रोफेशनल प्रीमियम कॉस्मेटिक रेंज।